बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाजर का हलवा बनाने के लिए 3 किलो गाजरें और 4 लीटर दूध लिया। कद्दूकश करने के बाद, साफ वगैरह करने के बाद तकरीबन 2.5 किलो रह गई होंगी गाजरें। अब मैंने दूध गर्म करना रखा और साथ ही मैंने इसमें जो गाजरें कद्दूकश की थी वो इसमें डाल दी हैं। आप देख सकते हैं सारी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दी हैं। अब हम दूध आपने कोई भी ले लेना है, अगर आप चाहें तो कच्चा भी ले सकते हैं या बॉयल भी। आप ये देख रहे हैं गाजरों का कलर भी दूध में आ गया है। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है इसको गैस पे रखे हुए। जैसे जैसे ही दूध गाढ़ा होता जाएगा गाजरें नरम होती जाएंगी। यहाँ तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है गाजरों को पकते हुए। मैं ये फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ कुकिंग की, और मुझे नहीं पता कि ये ठीक बन भी रही है या नहीं। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। यहाँ इसको तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं और देखें, आप देख सकते हैं दूध काफ़ी जल चुका है और गाजरें हमारी माशाल्लाह से पक रही हैं। जब तक गाजर हमारी रेडी होती है तो हम सूजी को भी भून लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने सबसे पहले देसी घी लिया है और 1 पाव सूजी ली है। घी हम इतना ही देंगे कि सूजी बस उसमें डिप हो जाए, इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे खुशबू आने तक। हलवे को हमने दूसरी साइड पर रख दिया है। सूजी हमारी भुन चुकी है, कलर आ गया है। खुशबू भी बहुत माशाल्लाह अच्छी आ रही है। यहाँ पे फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हम चीनी और अंडों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। 6 अंडे और तकरीबन 500 ग्राम मैंने चीनी ली है। अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। और अब हम दोबारा हलवे की तरफ आते हैं। दूध हमारा खुश्क होने वाला है। अब इसमें हमने जो सूजी भुनी थी वो हमने डालनी है, तो वो डालते हैं इसमें। सूजी डालने के बाद अब हमने इसमें अंडे और चीनी डालने हैं। ये हम डाल दिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। मुझे चीनी थोड़ी कम लगी इसलिए मैंने थोड़ी और ऐड की है। आप भी कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। अब हम इसमें कोई कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। मेरे पास घर में बादाम और किशमिश थी। आपके पास जो कोई भी ड्राई फ्रूट आप जो खाना पसंद करें वो इसमें डाल सकते हैं। दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बस अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। और जितनी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। और इसको हमने मसलसल इसमें चमचा चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक कि ये हलवा पतीला ना छोड़ दे। मन आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन हमारी बुनाई हो चुकी है और ये साथ चिपक भी नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा रेडी हो चुका है। मैं बस मज़ीद इसको 2 मिनट भूनूंगी और फिर हमारा हलवा रेडी है। मुझे बताइएगा कमेंट में कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी।
उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दीजिए जनाब, हमारा हलवा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।